इच धम्मागति ताच यच धम्मा गनगद पचुपनाच यम्माङ वन्दी सबदल तीच संघातीताच इच संघागनागत पचूपनाच संघ अहं वंदा मी सबद अहं वंदा सबद <coughs> अहं वन्दामि संबद ब्रह्मविहारी पुरुषः ब्रह्मचारुणीना धर्मवन्त सन्तानः सुखी संसार साधु 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 महाकारों ने तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुख्यात किया हुआ ऐसा सद्धर्म और ऐसे सद्धर्म को धारण करने वाला अर्यश्रावक संघ इन बुद्ध के बुद्ध गुणों को धर्म के धर्म गुणों को संघ के संघ गुणों को इन महान तीन रत्नों को मेरा पंचांग प्रणाम द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार विश्वरत्न बोध परम पुज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं जो जो महानुभाव जिन महानुभावों ने इस सद्धर्म को बढ़ाने के लिए काम किया इसके प्रचार प्रसार तथा तो सद्धर्म के लिए काम किया ऐसे महानुभावों को मंगल मैत्री मंगल मैत्री मंगल मैत्री आज साधना के बारे बारे में भी जानेंगे और साधना के बारे में जानते जानते मंगल मैत्री के बारे में जानेंगे और साधना और मंगल मैत्री मेता एक साथ जुड़े हुए ही है वो अलग नहीं हो सकते एक एक करके एक एक करके साधना के जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे साधना सीखते जाते हैं और कई कई बार शिविर में जाते हैं दस दस दिन के शिविर करते हैं जब दस दिन पूरे हो जाते हैं तो ग्यारहवा दिन पूर्णाहुति का समय जब उन शिविरों में काम शुरू करते हैं तो सब आत्मसमर्पण करते हैं दसों दिन के लिए आत्मसमर्पण होता है यह बहुत जरूरी होता है बिना आत्मसमर्पण किए इस विद्या को अच्छी तरह आजमा के नहीं देख पाते इसके साथ पूरा पूरा न्याय नहीं कर पाते इसलिए आत्मसमर्पण आवश्यक रहता है सब ने खूब समर्पित भाव से काम करना चाहिए करते भी है दस दिन के शिविर में जाते हैं तो दस दिन तो काम करते हैं भारत की इस पुरातन विद्या भगवान महान भगवान सम्यक संबुद्ध की महान विद्या आजमा कर देख लेते हैं दस दिन पूरे होते हैं क्योंकि आत्मसमर्पण तो दस ही दिन का करते हैं दस दिन में जाने वाले बीस दिन वाले बीस दिन का तीस दिन वाले तीस दिन का उसके बाद स्वतंत्र हो जाते हैं स्वाधीन हो जाते हैं धर्म जब शुद्ध होता है तो हमें स्वाधीन बनाता है पराधीन नहीं वह हमें स्वतंत्र बनाता है परतंत्र नहीं अतः ही अतना हम स्वयं अपने मालिक बने दस दिन के आजमाने के लिए समर्पण किया था दस दिन के शिविरों में बीस दिन के शिविरों में अब जाकर के चिंतन मरण करने के लिए छोड़ देते हैं दस दिन के बाद चले जाते हैं कि इस विद्या को आजमा के देखा वो विद्या कैसी है क्या ग्रहण करने लायक है क्या युक्ति संगत है क्या तर्क संगत है क्या बुद्धि संगत है जो बात हमारी सामान्य बुद्धि को ही उचित ना लगे उसे भला कोई समझदार आदमी कैसे स्वीकार कर लेगा तो इस कसौटी पर कसकर देखे बुद्धि संगत है ना तर्क संगत है ना कहीं अंधविश्वास के साथ तो हम मान नहीं रहे हैं ऐसा है तो समझदार आदमी उसे स्वीकार करेगा लेकिन केवल यही एक कसौटी नहीं होती एक और कसौटी होती है केवल बुद्धि के तर्क पे सारे हम किसी बात को सिवा सि, स्वीकार कर ले तो बुद्धि की अपनी एक सीमा है तर्कों की अपनी एक सीमा है आज बुद्धि के बल पर तर्कों के बल पर कोई बात बड़ी संगत लगती है कल हो सकता है वही असंगत लगने लगे तो केवल एक कसौटी पर नहीं एक और कसौटी पर कि जो सीखा है उसे अगर मैं धारण करूं तो क्या सचमुच इसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है क्या सचमुच इसमें मेरा मंगल समाया हुआ है बात कितनी ही तर्कसंगत क्यों ना हो पर उससे हमें कोई लाभ नहीं होता हमारा मंगल नहीं होता तो हमारे किस काम की तो इस दूसरी कसौटी पर भी कसकर देखना होगा और यही नहीं एक और कसौटी है इसको धारण करने से कई अन्य प्राणियों की तो हानि नहीं होती किसी भी अन्य प्राणी का अमंगल नहीं होता इन तीनों कसौटियों में कस करके देख लिया कि जो बात सीखी है वह युक्ति संगत बुद्धि संगत तर्क संगत भी है और इसे धारण करने में मेरा कल्याण भी है औरों का कल्याण भी है तब तो समझदार आदमी धारण करेगा ही स्वीकार करेगा ही खूब स्वीकार करेगा और सचमुच समझदार होगा तो केवल बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करके नहीं रह जाएगा केवल श्रद्धा के स्तर पर स्वीकार करके नहीं रह जाएगा वास्तविकता के साथ स्वीकार करेगा वास्तविकता के स्तर पर स्वीकार करेगा तो ही धर्म धातु होता है तो ही धर्म धारण होता है तो ही कह सकते धर्म धारण किया और वही उसका कल्याणकारी लाभ होता है केवल सैद्धांतिक स्तर पर स्वीकार कर ले और उसे धारण ही ना करे तो लाभ नहीं लाभ नहीं धर्म का यह जो व्यवहारिक पक्ष है प्रैक्टिकल एक्सेप्ट है यही मंगलदायी है साधना करते करते जब देखते है, यही हैं यही सीखते के हैं केवल धर्म का सैद्धांतिक पक्ष ही सीखना होता तो दस दिनों तक बीस दिनों तक तीस दिनों तक तो किसी कारावास में जाकर बंदी होने की जरूरत नहीं थी किसी सेंटर पर जाकर सीखने की जरूरत नहीं थी कई भी बाहर प्रवचन हो सकते थे सुन लेते और समझ लेते बुद्धि के स्तर पर कोई पुस्तक पढ़ लेते कोई शास्त्र पढ़ लेते और समझ लेते बात को यहाँ किस लिए आए साधना सीखने के लिए किस लिए आए धारण करने के लिए किस लिए आए इसे कैसे प्रैक्टिस किया जाए कैसे शील का पालन किया जाए सचमुच शील का पालन करना कोई उपदेश की बात नहीं अभी रोज रोज करते हैं ना सचमुच मन को वश करना है कोई उपदेश की बात नहीं हमें मन के मालिक बनो मन के गुलाम मत बनो मन के गुलाम रहोगे तो बहुत दुखी रहोगे मालिक बन जाओगे तो छुटकारा हो जाएगा तो ये उपदेश की बात अच्छी बात थी लेकिन मालिक कैसे बने ये तो कभी सिखाई ही नहीं तो ये एक मौका मिला कि कैसे अपने मन के मालिक बने और जैसे साधना करते हैं वैसे वैसे मालिक बनते जाते हैं अनुभूति होती है वो पहले हमें नचाता था अब हम उसे नचाते हैं यहां जा यहाँ जा अब हाथ पर जा जाओ पर जा जा अब सिर पर कहे उसे जाओ वहाँ, वहाँ वो जाता है तो हमारा गुलाम होने लगा होने लगा जरा जरा सा होने लगा तो बात पलटी कि पहले हम गुलाम थे अब वो गुलाम होने लगा तो ये प्रैक्टिस के थ्रू हुआ ना और भी उपदेश बहुत सुनते थे मन को मन का मेल निकालो मन को निर्मल करो वीत राग बनो बनोत द्वेश बनो वित मोह बनो अनासक्त बनो उपदेश तो सुनते ही थे कैसे बने तो किसी ने सिखाया नहीं सिखाया नहीं कैसे बने सिखाया ही नहीं हमने स्वयं भी कभी अभ्यास नहीं किया बात बड़ी अच्छी लगती है कि राग होगा द्वेष होगा तो ही रहेंगे गांठे ही बांधेंगे तनाव ही पैदा करेंगे सुख कहाँ से आएगा शांति कहां से आएगी आसक्त रहेंगे तनाव रहेगा गांठे बांधेंगे शांति कहां से आएगी सुख कहां से आएगा बात तो बड़ी ठीक है धर्म की बात तो यही होती है लेकिन कैसे बने कैसे राग का बंधन तोड़े राग का स्वभाव तोड़े कैसे द्वेष का स्वभाव तोड़े वो भी केवल ऊपरी ऊपरी मानस तक नहीं अंतर मन की गहराइयों तक जहां उसका स्वभाव हो गया है प्रतिक्षण राग पैदा करता है या द्वेष पैदा करता है ऐसा उसका स्वभाव हो गया है उस स्वभाव को कैसे तोड़े दस दिनों तक बीस दिनों तक तीस दिनों तक एक काम करके देखते हैं सुबह चार साढ़े चार बजे से नौ साढ़े नौ बजे तक धर्म के व्यवहारिक पक्ष को उसकी प्रैक्टिस उसका व्यवहारिक पक्ष का अभ्यास किया हर रोज शाम को ऑनलाइन के थ्रू हो या कैसे भी घंटे डेढ़ घंटे यदि आप धर्म चर्चा सुनते हैं तो पहले भी होती थी अभी भी होनी आवश्यक होती है क्योंकि धर्म की गंगा की बात सुनवाते हैं भिन्न भिन्न परंपरा के लोग आते हैं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग आते हैं भिन्न भिन्न मान्यताओं के दार्शनिक मान्यताओं के लोग आते हैं तो मन में कुछ उलझन रहती है ये ठीक है ये हमारा ठीक है ये कैसा है ये तो बात उसमें आई ही नहीं हमारी अमुक बात तो आई ही नहीं हमारी अमुक बात तो आई ही नहीं इस तरह की शंकाएं होने स्वाभाविक है आखिर अपनी अपनी मान्यताओं के बहुत मोटे मोटे लेप लगाकर आते हैं अब शंका बनी रही तो काम कैसे करेगा बार बार उलझन रहेगी तो इस उलझन को दूर करने के लिए इस मार्ग के प्रति कुशंका हो तो उसको दूर करने के लिए हर शाम का प्रवचन दोपहर दु, का प्रवचन जैसे जैसे हो सके वैसे वैसे प्रवचन जैसे जैसे समय मिले किस तरह करे ऐसा ही क्यों करे और किसी प्रकार क्यों ना करे बात स्पष्ट होनी चाहिए तो काम कैसे करेंगे बस इसीलिए धर्म चर्चा सुनना बहुत जरूरी होता है किसी संप्रदाय विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं तो धर्म नहीं होता किसी दार्शनिक मान्यता विशेष की महत्व स्थापित करने के लिए नहीं तो धर्म नहीं होता इस साधना किस प्रकार की है जो सार्वजनिक धर्म है सार्वदेशिक धर्म है सार्वकालिक धर्म है जो सनातन धर्म है उसका अभ्यास कर रहे हैं तो इसको सनातन धर्म कैसे माने इसको सार्वजनिक कैसे माने ये बात समझ लेने के लिए इसका संप्रदाय से कोई लेन देन नहीं इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेने के लिए ये धम्म प्रवचन प्रवचन तो धम्म के व्यवहारिक पक्ष के पृष्टीकरण के लिए होता है लेकिन जहां कहीं धर्म के व्यवहारिक पक्ष पक्ष के का स्पष्टीकरण हो कोई सिद्धांत की बात आ ही जाती है सैद्धांतिक पक्ष उजागर होता ही है सैद्धांतिक पक्ष जहाँ उजागर होता है होता तो इसलिए है कि व्यवहारिक पक्ष अधिक स्पष्ट हो जाए थ्योरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस को स्पष्ट करने के लिए लेकिन सैद्धांतिक पक्ष जब आया हो सकता है हो सकता है किसी किसी के मन में कोई बात ठीक ना लगे ये बात तो ठीक नहीं हमारी परंपरा से परंपरा से जरा भी मेल नहीं खाती और बेचारे जितनी बुद्धि है उस उतनी ही बुद्धि से मेल नहीं खाती ये बात ठीक नहीं ये बात ठीक नहीं तो कहते हैं भाई ये प्रवचनों में सिद्धांतिक बातें सामने आई उनमें से जो बात ठीक ना हुई उसे निकाल बाहर करे जो जो बात अच्छी ना लगे उसे निकाल दे और जो अच्छी लगे उसे ग्रहण कर ले आगे जाकर के रास्ते पर चलते 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 जिसको निकाल बाहर किया वो भी समझ में आ जाए तो ये भी बड़ी कल्याणकारी बात है तब स्वीकार कर लेना ठीक है ना स्वीकार करो जितनी जितनी स्वीकार करने योग्य लगे उतनी उतनी स्वीकार करो ना लगे उसे निकाल बाहर करो लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं क्या निकालोगे क्या व्यवहारिक पक्ष शील सदाचार का जीवन जीना है आप किसी परंपरा का व्यक्ति हो किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो किसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हो इसमें क्या करेगा शील सदाचार का जीवन जीना सबके लिए कल्याणकारी है और क्या व्यवहारिक पक्ष अपने मन को वश में करो कौन विरोध करेगा कौन सी परंपरा कहेगी कि मन को वश में मत करो सारी परंपरा कहती है मन को वश में करो और मन को वश में करने का जो साधन दिया वो सास का लिया किसी संप्रदाय का ना लिया सार्वजनिक साधन है सास के सहारे सहारे भगवान ने दी हुई आनापान साधना उसी के सहारे सहारे मन को एकाग्र करना सीखा क्या विरोध करेगा कोई और अपने प्रज्ञा के द्वार मन की गहराइयों तक विकार निकालने का काम पक्षे, एक अंग, कोई क्या पक्ष है मन के विकार निकालना इसे कौन बुरा कहेगा अंतर मन के गहराइयों से विकार निकालना इसे कौन बुरा कहेगा और ऐसे मन से जो सार्वजनिक है सास शरीर पर संवेदना तो सबको होती है बस उसी संवेदना के सहारे 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 मन के विकारों का निकलने का काम किया तो ये समाधि ये यही ये धर्म का व्यवहारिक पक्ष है प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें छोड़ेंगे तो लाभ से वंचित रह जाएंगे लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष है उसमें कोई बात छोड़ नहीं सकते आगे जा करके स्वीकार स्वीकार कर लेंगे सिद्धांतिक बात छोड़ सकते हैं लेकिन आगे जा करके स्वीकार करेंगे बड़े प्यार से सिद्धांतिक पक्ष की बात भी बड़े प्यार से कहे तो इससे समझ लेगा तो बड़ा कल्याण हो जाएगा बड़ा मंगल हो जाएगा यह जो व्यवहारिक पक्ष है इसमें आगे बढ़ने में बहुत बड़ा उत्साह जागेगा प्रेरणा जागेगी इसे भाव से कहा लेकिन कोई बात ठीक ना लगे तो क्या करें? निकाल बाहर करेंगे जैसे कोई माँ बड़े प्यार से अपने बच्चे के लिए खीर बना रही हैं और उस खीर परोस दी बहुत बढ़िया उठाया हुआ दूध बड़े बासुंदी चावल बासमती चावल मेवा और उसको उससे बढ़कर भी उसका प्यार बहुत बढ़िया खीर बनाई और पर बच्चा सिर हिलाता है मैं नहीं लूंगा मैं नहीं लूंगा अरे क्यों भाई बड़ी स्वादिष्ट खीर है क्यों नहीं लेता क्या हो गया मेरे पात्र में नहीं है ना तो उसको अपना पा, पात्र ज्यादा प्यारा है खीर नहीं मेरे पात्र में होनी चाहिए क्या पात्र होता है भिन्न भिन्न संप्रदायों के अपने अपने जो शब्दावली होती है बड़ी आसक्ति हो जाती है उससे हर महापुरुष जब आता है संसार में तो देखता है चारों ओर चारों ओर लोग कितने दुखियारे हैं, कितने दुखियारे हैं बड़े प्यार से इन दुखियारे लोगों को रोगी लोगों को धर्म की औषधि बांटता है धर्म का आहार देता है ताकि ये दुखों के बाहर निकल जाए तो जब धर्म की बात समझाता है तो भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा तो उस समाज की उस समय की जो जनता की भाषा होती है उसी में समझाएगा ताकि लोग उसे समझे धीरे धीरे समय बीत जा, बीतता जाता है जो समझाया गया उसे धारण करना तो छोड़ दिया लेकिन शब्द बड़े प्यारे लगे और शब्दों से चिपका हो गया जिस किसी महापुरुष की परंपराओं के लोग उस महापुरुष की वाणी को यही सत्य है यही ठीक है ऐसा चिपका पैदा कर लेते हैं बात चाहे वही हो अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें पंचशील पालन करना सिखाऊंगा तो जो जो लोग किसी परंपरा के होंगे कोई सांप्रदाय को मानने वाले होंगे तो मन उनका मन बड़ा खुशहाल होगा हमारा धर्म सिखाया जा रहा है और यू कह दे कि मैं तुम्हें अनुव्रत सिखाऊंगा तो जो जो जैन संप्रदाय के लोग हैं बड़े खुश हो, होंगे कि हमारा धर्म सिखाया जा रहा है और ये कह दे कि यम नियम सिखाए जा रहे हैं तो हिंदू संप्रदाय के लोग बड़े खुश हो जाएंगे हमारा ही धर्म सिखाया जा रहा है कोई दे जो क्रिश्चियन प्रमुख है उनका भी वैसा है पालन कोई नहीं करता ना कोई पंचशील वाला पालन कर रहा है ना अनुव्रत वाला अनुव्रत का पालन कर रहा है ना यम नियम वाला यम नियम का पालन कर रहा है ना टॉन कमांडमेंट्स वाला टेन कमांडमेंट्स का पालन करता है फिर भी इन शब्दों के साथ कितना गहरा चिपकाओ तो ये पात्र मेरे पात्र में खीर हो तो खाओ बिचारी माँ क्या करे उसे तो बच्चे को खीर खिलानी है ना क्या करे अच्छा तेरे पात्र में खाना है ले तेरे शब्द वाली इस्तेमाल करता हूं चल तेरे पात्र में खा तो खा तो सही इस धर्म की खीर को तेरे पात्र में दे दी फिर बच्चा सिर हिलाता है। नहीं मैं नहीं खाऊंगा अरे आप तो तेरा पात्र तेरी शब्दावली अब तो खा नहीं क्या हो गया इसमें काला काला कंकर मिला है मां कहते काला कंकर नहीं है रे ये इलायची का दाना है इसका अपना स्वाद है तू तो खा तो सही अरे मैं नहीं खाता ये तो काला कंकर है ये तो काला कंकर है बिचारी माँ क्या करे यही तो कहेगी ना कि अच्छा ठीक है जिसे कल काला कंकर समझता है उसे निकाल कर बाहर कर दे बाकी तो खा जिस दिन समझ में आ जाएगा कि इसका भी अपना एक स्वाद है तो इसे भी खा लेना अब उसे निकाल बाकी तो खा बावला बच्चा सारी खीर फेंक दे इसमें काला कंकर था इसमें काला कंकर था अपने ही हानि करेगा ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में आए हो शुद्ध धर्म के क्षेत्र में आए हो शुद्ध धर्म सीख रहे हो जहां सैद्धांतिक बात सुनी वहां कोई बात काली कंकर जैसी लगी बाकी तो खाओ ये बात सैद्धांतिक पक्ष के लिए है व्यवहारिक पक्ष में तो निकालने के लिए कुछ है ही नहीं शील है समाधि है प्रज्ञा है शील है समाधि है प्रज्ञा है धर्म बड़ा परिपूर्ण होता है व्यवहारिक पक्ष धर्म बड़ा परिपूर्ण होता है उसमें और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं बड़ा परिशुद्ध होता है उसमें कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं होती ये व्यवहारिक पक्ष है और वही हमारे लिए प्रमुख है पश्चिम देशों में कोई कहानियां चलती हैं, तो उसमें से कोई कहानी तो कोई युवा प्रोफेसर बहुत पढ़ा लिखा अपने नाम के पीछे वर्णमाला की बहुत सी शिक्षाएं लगाई हुई एक जहाज में यात्रा कर रहा है जीवन का अनुभव नहीं है पढ़ा लिखा बहुत है उसी जहाज में अनेक नाविक लोग उसमें से एक नाविक एक बुढ़ा खलासी बिल्कुल अनपढ़ वह कभी कभी प्रोफेसर साहब की कैबिन में चला जाए और उनकी बातें सुने अरे इतना विद्वान इतना पंडित के सुनता रह जाए एक दिन बहुत सी बातें समझाने लगा तो प्रोफेसर ने पूछा अरे बुढ़े तूने जियोलॉजी पढ़ी वो क्या होती महाराज हमने तो नाम ही नहीं सुना अरे इस धरती का एक शास्त्र होता है तूने पढ़ा है वो महाराज मेरे लिए तो काला अक्षर बहस बराबर ना कोई स्कूल गया ना कोई कॉलेज गया ना लिखना है ना पढ़ना है मैं क्या पढ़ता अरे बूढ़े तूने अपनी एक चौथाई जिंदगी बर्बाद कर दी बुढ़ा बड़ा दुखी बड़ा उदास इतना बड़ा विद्वान कहता है तो सचमुच मैंने एक चौथाई जिंदगी बर्बाद कर दी दूसरे दिन फिर बहुत से पांडित्य पूर्ण बात होने के बाद फिर प्रोफेसर साहब ने पूछा अरे बूढ़े तूने ओशनोलॉजी पढ़ी है ये क्या होती महाराज अरे समुद्र का भी एक शा, शास्त्र होता है पढ़ा है तूने कहा ना महाराज कुछ नहीं पढ़ा अरे मूरख कही के तूने अपनी आधी जिंदगी चौपट कर दी बड़ा दुखी हुआ आधी जिंदगी चौपट कर दी हमने किसी दिन फिर पूछ लिया अरे बुढ़े तूने मटियोलॉजी पढ़ी है क्या होती महाराज ये तो बड़ा अजीब सा नाम है अरे ऋतु का हवा का मौसम का इसका भी एक शास्त्र होता है पढ़ा तूने कहा ना महाराज नहीं पढ़ा अरे बुढ़े तूने अपनी तीन चौथाई जिंदगी बर्बाद कर दी जिस धरती पर रहता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा जिस समुद्र में रोज यात्रा करता है उसका शास्त्र नहीं पढ़ा जिस हवा पानी मौसम ऋतु से रोज तेरा वास्ता पड़ता है उसका भी शास्त्र नहीं पढ़ा तो कहता है कि नहीं भाई मैंने तो तैरना नहीं सीखा तो प्रोफेसर साहब आपने तो अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी इस जहाज को टक्कर लग गई है और ये डूबने ही वाला है वो सामने तट दिखाई देता है किनार, किनारा दिखाई देता है जिनको जिनको तैरना आता है वो तो पहुंच जाएंगे जिनको तैरना नहीं आता वो तो डूब के मरेंगे ये महाराज आपने तो आपकी सारी जिंदगी खराब कर दी अरे दुनिया भर के लियू लेंगे और सिम्योलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो लॉजिया साड़ी लॉजिक क्या काम आएगी करना है ना तैरना है ना भवसागर पार करना है ना भवसागर पार करके तैरना है ना तैरना जाने नहीं तैरने का भी शास्त्र ही पड़े नहीं रखेंगे पानी में अरे कैसा पागल पन छाया हुआ धर्म धार धारण करना ही नहीं सीखेंगे धर्म की बातें खूब करेंगे सिद्धांतों की बातें खूब करेंगे खूब करेंगे शास्त्र खूब पढ़ेंगे कैसे धारण करेंगे इसे नहीं सीखेंगे तो क्या मिलने वाला है धर्म को धारण करने के लिए होता है बहुत ठंड लगती हो और खुटी पर कोट टंगा हो और बड़बड़ के बातें करे ठंड के मारे भूल रहा है काप रहा है, मेरे पास इतना बड़ा कोट है ऐसे होस्टेड इतना गर्म इतना बढ़िया क्या काम आया रे पहनता ही नहीं उसको उसे पे खुट, खुटी पर टांग रखा है ऐसे ही धर्म पुस्तकों में है धारण तो नहीं करता तेरे क्या काम आया रे जब तक धारण ना करे तब तक धर्म जरा सा भी कल्याण नहीं करता हमारा कल्याण उसी दिन शुरू होता है जिस दिन धर्म धारण करने का कर्म कर कदम उठाना शुरू करते हैं यहां दस दिन रहकर कर ही यही या बीस दिन में रहकर तीस दिन में रहकर या अपने आप से काम करने करते हुए किसी सिद्धांत को ऊंचा सिद्ध करने के लिए ना करे किसी सिद्धांत को नीचा सिद्ध करने के लिए ना करे धारण करने के लिए करे दस दिन में बीस दिन में तीस दिन में कितना काम करते हैं बहुत थोड़ा समय होता है एक नन्ना सा कदम होता है जो कुछ किया उसका अमूल्यन नहीं किया करना डिवोशन नहीं करना बहुत कीमती है ये भी और साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि बहुत लंबा मार्ग है अभी तो पहला कदम दूसरा कदम तीसरा कदम उठा रहे हैं बहुत लंबा मार्ग है और पहला कदम कितना कीमती है जिसने सही मार्ग में पहले कदम लिया उसे ये आशा, आशा की जाती है कि वो दूसरा भी करेगा तीसरा भी उठाएगा ये कदम कदम चलते चलते अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगा जिस बिचारे ने जीवन भर पहला कदम ही नहीं उठाया मुख्य के मार्ग पर चलने का पहला कदम ही नहीं उठाया उसे कैसे आशा की जाए कैसे आशा करे तो इस मायने में बहुत मूल्यवान लेकिन साथ साथ ये भी कि पहला ही कदम है काम बहुत है काम बहुत है कितने समय कहोग तेरा मंगल हो तेरा कल्याण हो तेरा भला हो तो जैसा बीज बोते जैसा बीज बोते हैं वैसा ही काम करते हैं सारे विश्व में जहां जहां प्रकार के तरंगे हैं उसके साथ समरस हो जाएंगे तो बाहर इस प्रकार के जैसे जैसे तरंग है उसके साथ अपने तरंग को अर्पित करेगा जो जगह है तो बाहर के तरंगों से मिलकर के और तेज हो गया ठीक इसी प्रकार साधना करने बैठोगे तो भलाई थोड़ा थोड़ा क्षण ही ऐसा लगता हो वित्तरागता के क्षण वित द्वेषता के विश्व वित्त मोह क्षण वीतराग का जो तरंग है जब उसको हमने वो तरंग जागी तो सारे विश्व में आज के पहले भी जो अरथ हुए उनकी वीतरागता की तंगों के साथ अपने आप संरस होने लगा तो मिलने लगा मंगल मैत्री मिलने लगी ना एक संत के जीवन भिक्षु के जीवन की जैसे सबके भिक्षु के जीवन में संतों के जीवन बहुत लोग विरोधी हो जाते हैं इनके जीवन में भी ऐसा हुआ कुछ लोग विरोधी हो गए एक इकाई कोई प्रमुख शिक्षता कवि और बड़ी निंदा करे शिक्षा की निंदा करी किसी दूसरे शिष्य ने सुनी है बात तो आया गुरु के पास कि वो आपका शिष्य था ना आजकल बेतु की बातें करते करता है आपके विरुद्ध बोलता है धर्म के विरुद्ध में बोलता है खिलाफ बोलता है तो समझा नहीं तो अकुशल काम करते आप मेरे साथ चलिए वो उसे समझा लीजिए वो गलती करना बंद करेगा समझा देंगे हमारा कभी बिगड़ता है गए दोनों के दोनों पहच पहुंचे उसके पास अब उससे पहले गुरुजी कुछ बोले साथी आया था वो बोला ये समझाने लगा और समझाते समझाते आपस में तो तुम्हें में हो गई लड़ाई हो गई गाली गलच हो गई हाथापाई होने लगी तो गुरु जी खिसक गए किसी ने देखा हमारे गुरु बड़े अजीब हाथापाई हुई तो, तो निकल गए भागा उनके अपने क्या क्या गुरुजी जी वहां तो आपकी जरूरत थी आप तो चले आए अरे जैसे तूने गाली गोरोध शुरू किया क्रोध जगाया वैसे सारे सारे बुद्ध के तरंग चले गए धर्म के तरंग चले गए जहाँ झगड़े फसाद होते हैं वहां कैसे रहेगी कोई तरंग कैसे रहेगी बुद्ध तरंग कैसे रहेगी ऐसे तरंगों में लड़ाई झगड़े ऐसे तरंगों में तो कोई शैता नहीं रहेगा कोई मार ही रहेगा तरंगे धर्म की तरंगे हम जैसी तरंगे पैदा कर रहे हैं वैसे ही तरंग के साथ हम समरस हो जाते हैं जैसे तरंग हो गया वैसे ही तरंग उसके लिए समरस हो जाएगा प्रकृति का नियम है कुदरत का नियम है कोई बनना बनाना नहीं सूचना नहीं दी तो भी मंगल मैत्री मिलेगी धर्म का बल मिलेगा स्वाधीन होना सीखो ऐसे साधना में ध्यान ध्यान करो साधना करो सुबह शाम सुबह शाम एक एक घंटे रात को सोते सोते वक्त जागते हैं पांच मिनट सप्ताह में एक बार सामूहिक साधना के बार साल में दस दिन बीस दिन दिन या अनिवार्य है करना ही होगा कम से कम है किसी के पास इसे ज्यादा समय हो तो कोई रोक नहीं इससे ज्यादा समय जब अपना काम कर रहे हैं जिम्मेदारी पर लगे हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी है तो आप उस समय वही अपनी विपसना वही वही अपना आनापान है वही काम करेंगे मंगल की साधना करेंगे ध्यान करेंगे आना पान करेंगे विपसना करेंगे जितना भी समय मिला काम करते करते दस मिनट कोई काम नहीं है तो आंखें खुली है मन भी है अनिच्छा अनिच्छा अच्छा गए किसी ऑफिस में वेट करना पड़ा बाहर वेट कर रहे हैं खुली है मन भीतर है अनिच्छा 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 कल्याण हो गया ना ये नहीं जाने तो क्या करे कि देख मुझे बाहर बैठा दिया अंतिम बार मेरा समय खराब कर दिया बड़ा अहंकारी है तो उसके प्रति क्रोध ही क्रोध द्वेश्वे अरे तो क्रोध के बीज बोता है अंधकार पैदा करता है आगे के लिए भी अंधकार पैदा करता है अब दुख पैदा करता है आगे के लिए भी दुख पैदा करता है साधक ठीक साधक हो तो अब तो ऐसा कभी नहीं करेगा एक घंटा वेट करना पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा इतने समय का उपयोग करे ना तेरा मंगल हो तेरा कल्याण हो तेरा भला हो तो बीज बोता है प्रकाश का बीज है सुख शांति का बीज है आगे भी प्रकाश पीछे भी प्रकाश आगे भी सुख शांति पीछे भी सुख शांति और इसी समय का उपकरण है मनुष्य का जीवन बड़ा कीमती है जिस वक्त काम कर रहे हैं तो सभी को देखने की कोई जरूरत नहीं सारे ध्यान काम, काम में हो को, सास को देखने की जरूरत नहीं ध्यान करने की भी जरूरत नहीं काम करने काम ही करे जितना समय है आग खुले, खुले भी आग बंद करके भी ध्यान करे आग बंद करके ध्यान अपने घर या जहाँ गुरु बेन, गुरु भाई किसी के साथ बैठे हो तो और कोई लोग जो परिचित अपरिचित लो, लोग इनके बीच में आग बन के बैठ गए तो ध्यान दिखा हो जाएगा जहाँ दिखा हुआ वह धर्म धारण नहीं होता तो आके खोले खोले ध्यान लोगों को दिखाने के लिए ध्यान ना करे समता में रहना है लोगों को दिखाना है जब जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा चिन्ह धारण करता है जिसे जिससे लगता है कि एक बड़ा धार्मिक है समझ लेना चाहिए कि उसमें कुछ कमी है इसलिए दिखाना चाहता है मैं धार्मिक हूँ अरे जो सचमुच धार्मिक है क्या दिखावा करेगा उसका जीवन बोलेगा धार्मिक है उसका व्यवहार बोलेगा धार्मिक है तो बड़ी समझदारी के साथ कई दिखावा ना हो जाए जीवन में यही ख्याल रहे जीवन में उतना ही धर्म रहे समय खूब सदुपयोग हो मान लो कि शिविर लगा दिया शिविर में कोई गए कोई छुट्टी मिल गई एक दिन की छुट्टी मिल गई तो भी शिविर लगाएंगे शिविर करेंगे ध्यान करेंगे, सामूहिक साधना करेंगे जो सुबह शाम घर में ध्यान करेंगे उसमें कि कुछ ऐसे करे या भी पछना में लगाए कभी ऐसा हो कि मन बड़ा चंचल है बड़ा सुस्त है बड़ा प्रमादी है काम नहीं करना चाहता तो आनापान का प्रयोग करेंगे पांच मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट अवस्था एक घंटे पर पन करना पड़े तो आनापन करें कुछ खोया नहीं मन स्थिर करने के लिए आना पान जा, जा हो, वहाँ वहाँ उसका करेंगे। जितने, जितने और विपसना करते करते ख्याल रखेंगे ये बार कहते हैं एक बार फिर कहते हैं कि कहीं संवेदनाओं का खेल न खेलने लगे धारा प्रवाह आए और खुशी हंसने लगे धारा प्रवाह खत्म हुई और स्थूल संवेदना आई और उदासी में डूब गए तो भाई और कुछ कर रहे हो साधना नहीं कर रहे हो जो लाभ साधना से मिलने वाला है वो जरा भी नहीं मिलेगा आया उसके प्रति समता भाव अनित्य है जो आया अनित्य है अरे दुखद आया है तो इसका उपयोग करेंगे कि दुखद संवेदना आती है तो ही हमारे जो द्वेष के संस्कार है अनुशय में पड़े हैं दबे हुए पड़े हैं वो तभी उखड़ेंगे बाकी समय नहीं उखड़ते उसका लाभ उठा रहे हैं ना हमारे दबे हुए संस्कारों को निकलने में इसका उपयोग है ना आए तो उसकरेंगे। वो जो बड़ी गहराई में दबा हुआ है उसको का। जब आए तो बाहर आएगा निकला उदीर्णा होगी कल्याण हो गया ना क्या वो आए हमारा क्या जो तो कल्याण कर ले आपना कल्याण इसी बात में है कि हम समता में रहे इस साधना का गुड़ इसका राज इसका रहस्य एक और तो शरीर की सदनाओं को जाने सवेदना नहीं जाने और कहता बड़ा समता में हूं तो क्या समता में है तो ऊपर ऊपर की समता दिखावे की समता संवेदना है और हम नहीं प्रतिक्रिया कर रहे बस ये दो बात संवेदना को जानना भी है और प्रतिक्रिया करना भी करना भी नहीं है और फिर दूसरी बड़ी बात जो ये सुबह शाम सुबह शाम बैठक है मैकेनिकल ना हो जाए यंत्र ना हो जाए ऐसा जगता बनी रहे कि मैं संवेदना को क्यों जान रहा हूं तो अनित्य बोध जग रहा है कि नहीं अनित्य बोध की सारी क्षमता जग रहे कि नहीं मैकेनिकल हो जाएगा फिर कर्मकांड हो जाएगा तो जब जब देखो कि मैकेनिकल हो गया होने लगा सिर से पावत पावत पाव तक पाव, 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 पाव से सिर तक यू चलना है जरा परिवर्तन ले ला धीमे चलते थे तेज चलो तेज चलते थे धीमे चलने लगो कुछ नहीं हो तो कुछ देर आना पान कर लगो यंत्र नहीं बन जाए लाभ नहीं हुआ खूब सजग खूब समझदारी के साथ साधना करेंगे लाभ आएगी फिर अपने को जांच देंगे ये जो सुबह शाम साधना कर रहा हूं उससे मेरे जीवन में क्या लाभ आया वैसी परिस्थितियां पहले आती थी अब आई क्या फर्क पड़ा कुछ जांचेंगे अपने आप को दूसरा क्या जांचेगा? कई बार तो ऐसे होता है कि कोई भाई की अपनी अपना स्वप्न है बहुत चाहता है कि हम उसके लिए ये कर दे वो कर दे लेकिन उसका अपना स्वप्न है और हम शिविर से गए और उसका वो चाहता वो काम करते नहीं तो उसका बड़ा उसको बड़ा बुरा लगेगा शिविर में जाकर क्या सीख ध्यान करके क्या सीख लिया क्या फर्क पड़ गया तुम्हें वैसे के वैसे वो तो अपने चश्मे से देखता है ना तो उसे हो रहा है कि नहीं अपने को जांचेंगे कि सच मुझ फर्क पड़ा कि नहीं पहले जितना व्याकुल हो जाया करता था उसमें कुछ कमी आई कि नहीं पहले जितना संतुलन खो देता था उसमें कुछ कमी आई कि नहीं खुद जांचेंगे तो मालूम होने लगेगा जांचने पर फर्क आ रहा है सुधार हो रहा है हम साधना ठीक कर रहे हैं हम साधना कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा कूच बढ़े ठीक से नहीं कर रहे हमारे मार्गदर्शक से मिले उनसे पूछे और सुधार करें आ, फरक आना चाहिए जीवन में फर्क नहीं आए तो और किसी तरह का क्रमकांड होगा साधना नहीं नहीं हो सकता की भी जैसे करनी चाहिए वैसे कर लाभ ना हो सुधरता ही है आंखों के सामने होगा ना बड़ा रतन मिला है इसे खूब संभाल के रखना है नहीं रखना इसका संवर्धन भी करना है संवर्धन करें कहानी चलती है अपने यहाँ इन दस दिनों में बहुत समझते हैं इस दिनों में समझते हैं में हैं, हैं, थोड़ा तो समझते एक कहानी समझ ले एक कहानी चलती है अपने यहाँ एक बहुत धन व्यक्ति बुढ़ापे में विदुर हो गया माने घर वाले सुरक्षित मतलब गए और तो घर की धन भंडार की उसकी चाबिया उस पास रहे तो अब उस चाबी की गुच्छा कहा तो चार चारों को तो एक चाबी का गुच्छा नहीं दे सकता एक को ही देना पड़ेगा चार बोला कहता है कि एक चाबी का मिलेगा परीक्षा लूंगा और परीक्षा लेने के बाद जो ऊँचा नंबर लेकर आएगा क्या परीक्षा लूंगा तो ये पांच दाने ये पांच दाने अनाज के ये पांच दाने अनाज के चारों को पांच पांच दाने दे दिए और कहा कि चार बरस के बाद आऊंगा जो इन पांच दानों को संभाल के रखेगा उसको चाबी का गुच्छा दूंगा अरे जो पांच दाने अनाज भी नहीं संभाल सकते वो इतना बड़ा अन्न अन्न भंडार कब संभालेगा क्यों संभालेगा कैसे संभालेगा बुरा चला गया बड़े बहू ने सोचा ये बुढ़ा सख्या गया है कोई बात हुई है पांच दाने अरे चार बरस तक भेजा खराब हो जाएगा फेंकना वो आएगा तो अपने भंडार में से दूसरे पांच दाने लेकर उसको दे देंगे बातें खत्म हो जाएगी फेंक दिया उसने दूसरे ने सोचा कि बात तो ठीक है चार बरस तक इनको इनकी चिंता कर समझदार की बात नहीं लेकिन बुरा बड़ा अनुभवी है तो उसका जीवन भर का अनुभव है कौन इन पांच दानों में से कुछ कर्म करवा तो काम हो चार बरस के बाद आएगा तो बुक बोल दे तो अभी क्यों ना खा लू तो पांच दाने उसने खाली तो खचाई तो अपने पूजा के कमरे में चांदी के डब्बे में पाँचों रख करके तो सुबह शाम देवता को जाके संभाल ले वैसे उन पांच दानों को भी संभाल ले चार बरस तक खूब पहरेदारी की पांचों दाने लिए की पिछवाड़े की जमीन साफ की वो पांच पौधे सब आकर पांच पौधे निकल आए एक पौधे में सो सौ दाने आ गए अगले मौसम में पांच सौ पांच सौ अगले मौसम में जाए वो दी चार बरस में तो मानो अन, मनो अनाज हो गया टनो अनाज हो गया गोदाम भर गया बुढ़ा आया सबने अपने अपने राम करी का सुनाई कथा सुनाई और इतने पांच चौथे ने कहा कि इतने पांच दाने गए कि मजदूर लाई और उठा ले तो बूढ़े ने कहा ये बेटी काम की है इसने संभाल के संवर्धन भी किया इस बुढ़े ने भी तो भगवान ने भी वही धर्म के दिए इसे संभाल कर रखना तो उसका संवर्धन करना हर एक के पास हर एक के पास अपना अपना चाबी का गुच्छा धर्म में खूब पको खूब पको और खोलो दर्जा धर्मशाल दरवाजा खुद खोलो खूब पको खूब पको ब्रह्म आनंद का दरवाजा खुद खो निर्वाणिक परम्परा दरवाजा भीतर खोलो चाबी अपने ही हाथ धर्म धर्म में में बड़ा कलन है बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से प्राप्त होता है तो समझ ले कुछ बात कहे बिना चुकना नहीं है तो होता है कुछ बातें बतानी होती हैं तो समय क्या है परंपरा है एक मानता है कि किसी गुरु के पास कोई विद्या सीखो कोई विद्या हो पर लोक हो लोक से विद्या सीखो और उस गुरु या तो गुरु दक्षिणा दू यदि नहीं दी तो फलवती नहीं होती ये परंपरा मुझे बड़ी अच्छी लगती है शिविर में आने वाला हर व्यक्ति कोरा नहीं जाता। कुछ ना कुछ दान देके जाता है अपनी पुण्य पारमिता बढ़ाने के लिए जाता है वो दान आगे आने वाले जो साधक है उनके लिए अपने पुण्य बढ़ाने के लिए तो गुरु को क्या मिला तो गुरु को भी दक्षिणा चाहिए होती है तो इस परंपरा में क्या मुक्ति दक्षिणा होती है घंटे घंटे शाम, शाम, साधना करेंगे और उसके बाद पांच दस मिनट अपना पुण्य बाटोगे करणीय मेत कहोगे तो हो सकता है याद कर लो न भी याद करो तो फर्क नहीं पड़ता जब कहोगे कि मेरे पुण्य में सारे भागीदार हो सबका मंगल हो सारे प्राणी सुखी हो यही तो मंगल मैत्री है यही मंगल मैत्री ये दक्षिणा देनी भूलना नहीं सुबह शाम सुबह शाम दक्षिणा नहीं दोगे तो ये विद्या बलवती नहीं होगी तो मंगल को बलवती करती है यही तो करने में है खूब मर कर काम करेंगे और बड़ा मंगलकारी धर्म है सबका कल्याण हो भावना रखेंगे अपने मंगल के लिए किसी को ऐसा नहीं करेंगे कर कल्याण के लिए अपने के लिए अरे अनेकों के भले के लिए अनेके कल्याण के लिए जैसे जैसे धर्म में पक आओगे और देखोगे कि और कल्याण में सहायक हो गए और के कल्याण में सहायक ऐसा लगता है खूब पके खूब पके धर्म जाए खूब फैले खूब लोक मंगल हो खूब लोक मंगल हो खूब मंगल मैत्री हो तो मंगल मैत्री यही तो है जो साधना में पकता है वही तो पूर्ण रूप से साधना करने वाला पूर्ण रूप से मंगल मैत्री कर पाता है मंगल मैत्री वही करता है जो साधक है और जो जो भी मंगल मैत्री करेगा वही तो पुण्य होगा तो आपने पुण्य का वितरण करना मंगल मैत्री है भागीदार हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सारा भवमंडल सारा मंडल इसमें करुणा पले मंगल मैत्री पले और मंगल मैत्री साधना में भी बड़ी लाभकारी होती है जीवो के लिए मंगल मैत्री धर्म मिलने के लिए मंगल मैत्री तो मंगल मैत्री करना बहुत जरूरी ये ऐसे हुआ जैसे कोई ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के ऊपर मलम लगाया तो मंगल मैत्री करेंगे मंगल मैत्री करेंगे मेरे प्रजीत पुण्य में भाग सभी का हो

मंगल मैत्री सभी प्राणियों के लिए भू के तल के ब्रह्म लोक के देवता लोक के सभी जीव सत्वों के लिए सभी देवता के लिए खूब मंगल मैत्री खूब मंगल मैत्री

साधु साधु